मंतव्य बहुत स्पष्ट है कि गांधी की विचारधारा यानी गांधी जिस विचारधारा के प्रतिनिधि हैं और गोडसे की विचारधारा यानी गोडसे जिस विचारधारा के प्रतिनिधि हैं, जिसमें सावरकर, गोलवरकर, कुंजे और हेडगेवार वगैरह सारे लोग आते हैं, और पीछे चले जाइए तो चलिए वहां जाएंगे, वो जो पूरी दो परंपराएं हैं, इन दो परंपराओं के बीच जो विरोधाभास है और इन दो परंपराओं में हम कहाँ खड़े होते हैं, कौन हमारे नजदीक है। जरूरी नहीं है कि आप गांधी की बात करने के लिए गांधीवादी हों। जैसे ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने जीवन में कभी गांधीवादी नहीं रहा, आज भी गांधीवादी नहीं हूं, लेकिन जब हमारे सामने गांधी और गोडसे दो विकल्प के रूप में आते हैं तो हम किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, ये मेरे ख्याल से आज इस पर मैं बात कर लूं। और समय सीमा जब 1.5-2 मिनट बच जाएगा तो आप मुझे एक इशारा कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो गांधी और गोडसे दोनों हिंदू हैं, तो ये जो बहस होगी वो थोड़ा सा हिंदू के हिंदू वाले हिंदू का जो पूरा एक बाइनरी बनती है और हिंदू की पूरी जो एक परिभाषा बनती है उस परिभाषा के बीच में भी होगी। एक हिंदू धर्म है जो गांधी का है और एक हिंदुत्व है जो गोडसे का है। आप देखिए कि एक आदमी जो प्रार्थना सभाएं करता था और एक आदमी जो अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक कहता था, वो एक दूसरे के सामने एक बंदूक की दूरी पर खड़े होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो हमको ये समझना, जो भारत की हिंदू परंपरा है अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो गांधी और गोडसे इसकी दो तरह की व्याख्याएं करते हैं। एक तरफ गांधी की व्याख्या है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःभाग् भवेत् का मामला है, जिसमें मामला है वसुधैव कुटुंबकम का, जिसमें वो एक जो लिबरल परंपरा है जिस परंपरा में लोग आते जाते हैं, लोग बसते जाते हैं और एक तरह का कल्चरल जो लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है उस कल्चरल इंटरेक्शन में हम उनको दुश्मन की तरह नहीं शामिल करते हैं बल्कि दोस्त की तरह शामिल करते हैं। दूसरा गोडसे का हिंदुत्व है। अगर आप गोडसे के हिंदुत्व को समझना चाह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि गोडसे कोई फिलासफर तो था नहीं, गोडसे ने उस एक बयान को जो एक साथ किताब बना दिया गया है मैंने गांधी क्यों मारा, उसके अलावा गोडसे ने कुछ लिखा नहीं है, तो जाहिर है जो गोडसे के वैचारिक गुरु हैं हमें उनके पास जाना पड़ेगा, यानी हमें जाना पड़ेगा गोलवरकर के पास, सावरकर के पास। गोलवरकर को मत भूलिए, सावरकर पे बहुत बात होती है, अक्सर हम गोलवरकर को भूल जाते हैं। गोलवरकर 33 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक यानी कि सुप्रीमो रहे और उन्होंने ही आरएसएस को वो बनाया जो आरएसएस आज हमारे सामने है। तो गोलवरकर की जो वो किताब है, पता नहीं गोलवरकर ने लिखी कि नहीं लिखी, अब तो वो मानते हैं गोलवरकर ने लिखा ही नहीं, वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड, संयोग या दुर्भाग्य से मैंने उसका अनुवाद भी किया है, वो किताब गीता की तरह मानी जाती है आरएसएस के अंदर। आप उस किताब को उठाइए, सबसे मजेदार बात आपको यह मिलेगी कि उस पूरी किताब में आपको भारतीय परंपरा के उदाहरण नहीं मिलेंगे, आपको उदाहरण जर्मनी से मिलेंगे, आपको उदाहरण अमेरिका से मिलेंगे, आपको उदाहरण थोड़ा सा रुक के यहां सोचना पड़ेगा, खासतौर पर जो लोग इतिहास के छात्र हैं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस तरह का नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था, जिसकी औलादें हिटलर, मुसोलिनी और वगैरह वगैरह है, वो जो एक नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था, जो यार ये लाइट बंद हो सकता है, चेंज सीधे आंख पे पड़ रही है और मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, मजा ही नहीं आ रहा बात। अच्छा, थैंक्स 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 लॉट, अब लग रहा है कि लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई रिकॉर्ड होगा ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यूरोप में जो पूरा का पूरा नेशनलिज्म का एक विमर्श विकसित हुआ था, जो एक राष्ट्रवाद का पूरा एक विमर्श विकसित हुआ था, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसी समय नदियों को पवित्र बनाए जाने का काम शुरू होता है, उसी समय एक ऐसे देवता की तलाश या एक ऐसे प्रतीक की तलाश शुरू होती है जो पूरे देश के लिए पवित्र है, और जो गोलवरकर का बेसिक नारा है, एक भाषा एक लीडर और एक देश, एक धर्म एक भाषा और एक लीडर, एक एक करके तीन चार चीजें वो कहते हैं, ये जो एक पर जोर है यानी एक की तानाशाही पर जोर है, जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर लोकतंत्र का निषेध है, क्योंकि आप देखेंगे यूरोप में उसी दौर में लोकतंत्र का संघर्ष भी विकसित हो रहा था, तो यूरोप की वो जो दूसरी वाली धारा थी जिसमें हिटलर और मुसोलिनी का राष्ट्रवाद डेवलप हो रहा था, उस धारा से वो प्रेरणा ग्रहण करते हैं और उस धारा को हिंदू धर्म पर लागू करके हिंदुत्व की एक फिलॉसफी लाते हैं जो सेमिटिक धर्मों की जैसी फिलॉसफी आपको नजर आती है, जैसा कि पहले हमारी परंपरा में नहीं रहा। ये उस वो फिलॉसफी है जिसमें एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और जो उस धर्म को नहीं मानता है, सावरकर क्या कहते हैं, सावरकर यही कहते हैं ना कि जब हमारा हिंदू हिंदू भारत बनेगा, हिंदुत्व का भारत जब बनेगा, तो उसमें जो गैर हिंदू होंगे
और इनफैक्ट गैर सवर्ण भी होंगे और महिलाएं, मतलब सवर्ण पुरुषों के अलावा जो होंगे वो दोयम दर्जे के नागरिक होंगे, जिनके पास नागरिकता नहीं होगी, जिनको कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो एक ये इस तरह का हिंदुत्व फॉर्मेशन हो रहा था जिसके प्रतीक बन के हमारे सामने गोडसे आते हैं। दूसरी तरह का फॉर्मेशन हो रहा था या था जो हमारी परंपरा, जिसके प्रतीक बन के गांधी आते हैं। इसका सबसे बड़ा अंतर आप देखिए, गांधी प्रार्थना सभाएं करते थे, हम सब जानते हैं, समय होता तो मैं बताता कि कैसे कश्मीर में भी जाकर उन्होंने प्रार्थना सभा की थी, कैसे नोआखली में वो गए थे, जिस समय की नोआखली में दरअसल वो हिंदुओं को बचाने गए थे, अगर आप उस हिंदू और मुस्लिम टर्म में देखना चाहते हैं तो। आप देखेंगे 47 के समय जैसे जहां जहां दंगे हो रहे थे वहां वो जा रहे थे, दंगे रोकने की कोशिश कर रहे थे और प्रार्थना सभाएं कर रहे थे। प्रार्थना सभाएं उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि प्रार्थना सभा में बम विस्फोट होने के बावजूद, पाहवा के पकड़े जाने के बावजूद, उन्होंने यह नहीं माना कि प्रार्थना सभा में आने वालों का की जांच हो, और यही कारण था कि वो पिस्तौल लेके अंदर घुस गया और मार पाया। यानी एक आदमी के लिए उसकी प्रार्थना और उसकी प्रार्थना सभा इतनी पवित्र है कि वो उसके लिए उसकी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था, अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार था। वहीं दूसरा आदमी गोडसे जो है, वो एक तो आप यही समझ सकते हैं कि प्रार्थना सभा जैसी जगह पर गोली चलाने में उसे कोई शर्म नहीं आई, कोई हिचक नहीं आई। प्रार्थना सभा मतलब क्या है, एक मंदिर है जहां पे पूजा हो रही है, भले वो मंदिर का शेप नहीं है, अगर प्रार्थना सभा चल रही है, अगर अरदास कहीं पे चल रही है, कहीं पे नमाज चल रही है, तो वो पवित्र जगह उतनी देर के लिए हो जाती है। तो यानी उस पवित्र जगह पर एक तो उसे गोली चलाने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर आप पढ़ेंगे मार्वांतर वगैरह को, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे कि उसके पहले क्या हुआ था, तो उसके पहले ये सारे लोग एक मंदिर में गए थे। गोडसे ने उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से इंकार कर दिया था, वो कभी बहुत रेगुलर पुजारी टाइप का या इस तरह का कुछ रहा नहीं था। तो एक आदमी अगर आप देखेंगे तो एक आदमी हमारी उस परंपरा से निकल कर आता है गांधी, जिसके लिए प्रार्थना सभा उतनी पवित्र है। दूसरा आदमी निकल के आता है जिसके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य, और जब वो कहता है कि मैंने गांधी को इसलिए मारा, मैंने गांधी को उसलिए मारा, कल नितिन से बहुत लंबी बातचीत हुई, अब उसका ऑडियो भी आ गया, उतना वक्त हमारे पास है नहीं, लगभग सवा घंटे की बातचीत थी। एक एक सवाल जो उसने उठाए हैं गांधी के ऊपर, जब उसका आप एनालिसिस उसकी करने शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि वो सवाल कोई वैल्यू ही नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात जो यहां कही जा सकती है और कही जानी चाहिए कि गांधी के हत्या की जो कोशिशें हो रही थी वो तो 20 साल से हो रही थी, तो आजादी के बाद कितने पैसे दिए गए, लिए गए, ये हुआ वो हुआ, ये सारे बहाने हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी आप देखिए कि उस हिंदुत्व के सामने, जो हिंदुत्व था उस हिंदुत्व के सामने गांधी का हिंदू एक खतरा बन के आता है। आप ये कह सकते हैं कि तानाशाही की विचारधारा के सामने भारतीय विचारधारा एक खतरा बनकर आती है। एग्जैक्टली जब हम आज गांधी और गोडसे के बीच में बाइनरी खड़ी करते हैं या गांधी और गोडसे के बीच में पक्ष चुनने की बात करते हैं तो यही है। भारतीय परंपरा वो थी जो 1857 के पहले तो एक लंबे समय में और 1857 के बाद एक कॉन्क्रीट तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया बनती है। 1857 के बाद की जो लड़ाई पूरी चली है, अगर आप उस पूरे इतिहास को देखें तो उस पूरे इतिहास में केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं चल रही थी, उस पूरे इतिहास में भविष्य का भारत कैसा होगा इसका एक सपना भी बन रहा था, शेप ले रहा था अपने अपने तरीके से। तिलक अपने तरीके से, गोखले अपने तरीके से, गांधी अपने तरीके से, जिन्ना भी अपने तरीके से, जाहिर तौर पर सावरकर भी अपने तरीके से, और गोडसे भी अपने तरीके से। तो भारत कैसा होगा इसका सपना था, और आप देखते हैं कि तीन तरह के सपने हमारे सामने निकल कर आते हैं, बल्कि दो तरह का कह लें, जो वो दो हैं वो एक ही का दो हिस्सा है। एक सपना जिसमें भारत एक आधुनिक लोकतंत्र होगा, जिसमें भारत के हर नागरिक के लिए बराबर जगह होगी, वोट देने का अधिकार होगा, और जाति धर्म जेंडर इनसे परे एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण होगा जिस समाज में सभी एक नागरिक के तौर पर सुरक्षित, संरक्षित और मजबूती के साथ रह सकें, अपनी बात कह सकें। और वहीं एक दूसरी विचारधारा विकसित हो रही थी उसी के साथ, जो चाहती थी, जिसके दो हिस्से हुए, मुस्लिम लीग और आरएसएस, आरएसएस हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग आप कह सकते हैं, जो एक तरफ चाहती थी कि इस्लाम के आधार पर देश बने, दूसरी तरफ चाहते थे कि हिंदुत्व के आधार पर बने। इस्लाम वाली भी बहस कम नहीं है, आप अगर पढ़ें तो बहुत मजेदार बहस है। इकबाल साहब जो थे वो कह रहे थे कि जो हमारा इस्लाम है वो इस बात की अनुमति ही नहीं देता है कि कोई गंगा जमनी हिंदू मुस्लिम की मिलीजुली संस्कृति बने, जबकि मदनी साहब वहीं पर कह रहे थे कि नहीं, इस्लाम बिल्कुल इस बात की अनुमति देता है कि मिलीजुली संस्कृति बने। मदनी साहब एक बड़ा अच्छा मजाक करते हैं कि जिस समय इतना कुछ हुआ, इतना सारा कुछ हुआ, बाहर से हम आए और सारा कुछ हुआ, उस समय यह सवाल नहीं उठा कि हम मिलजुल के नहीं रह सकते, और आज जब हजार साल से रहते हुए हम एक दूसरे में घुल मिल गए हैं तो यह सवाल उठ रहा है कि हम साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो आप कहेंगे कि इस्लाम के भीतर भी यह बहस थी कि हिंदुओं के साथ मिलजुल के रहना है कि नहीं, हिंदुत्व के अंदर भी यह बहस थी कि मुसलमानों के साथ मिलजुल के रहना है कि नहीं।
ये वाली विचारधारा जीती पाकिस्तान में। इसीलिए ये मैं बार बार और हर जगह कहता हूं कि यह अंतर हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान में वो विचारधारा जीती थी, इसलिए पाकिस्तान में कहा गया कि वो एक मुस्लिम मुल्क होगा। हालांकि उसको भी लेके बहुत सारे तमाशे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गीत है वो एक हिंदू ने पहले लिखा था, बाद में इकबाल वाले गीत को शायद राष्ट्रीय गीत के तौर पर लिया गया है। और जिना के मिनिस्ट्री में भी थे और जिना बाद में आगे पीछे काफी हो रहे थे। और पाकिस्तान में भी यहां पे गांधी मरे तो वहां लियाकत को मारा गया, जो वहां का पहला प्रधानमंत्री था उसको भी मारा गया। फनाटिक्स ने अपना काम वहां भी किया, लेकिन वहां इस्लाम के आधार पर देश बनाने की बात हुई थी। और इस्लाम के आधार पर देश बनाने की जो वो विचारधारा थी वो उसी दिन झूठी साबित हो गई, गलत साबित हो गई, जिस दिन बांग्लादेश उससे अलग हो गया। यानी अपने दीन के लोगों को, अपने अपने धर्म के लोगों को वो साथ लेकर नहीं चल पाए। क्षेत्रवाद और स्थानीय संस्कृति जो थी, सारा किस्सा क्या था? सारा किस्सा यह था कि बांग्लादेश के जो थे वो चुनाव वहां पे जीत चुके थे, सबसे ज्यादा सीटें आई थी, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन पंजाब के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने किसी भी हालत में ये नहीं माना कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसलिए वो सारी लड़ाई शुरू हुई और बांग्लादेश और पाकिस्तान दो हिस्से में बट गए। साबित क्या हुआ कि कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो रिलीजियस का जो डिफरेंस है, धर्म का जो अंतर है, उस पर हावी हो जाते हैं। भारत एक ऐसा देश बना था, भारत में उस विचारधारा की जीत हुई थी जो ये मानती थी कि सबको साथ लेकर चलना है। भारत में उस विचारधारा की जीत हुई थी, आइडिया ऑफ इंडिया वो था जिसमें हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, इन सबको एक नागरिक का दर्जा दिया गया था। एक ऐसा संविधान बनाया गया था जिसमें सबके एस्पिरेशंस की पूर्ति होती है। और उस संविधान को बनाने में लंबी बहस चली थी। अक्सर सारा का सारा श्रेय अंबेडकर को दे दिया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर किसी के पास ये पार थी, किसी के पास अगर वो सपोर्ट था कि उन चीजों को लागू कराया जा सके, तो वो अकेले नेहरू थे। और उसके लिए मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि हिंदू कोर्ट बिल की जो पूरी बहस चली है और हिंदू कोर्ट बिल को जिस तरह से टुकड़ों में पास कराया गया है, जब आप उसको देखेंगे तो जानेंगे कि इस देश में जो वो विचारधारा थी जो चाहती थी कि हिंदू सामंतवाद अपनी तरीके से लागू रहे, औरतों को दोयम दर्जा मिला रहे, उससे सीधी लड़ाई नेहरू, अंबेडकर और इन लोगों ने लड़ी और जीत हासिल की। इस तरह से हम देखेंगे कि गांधी की विचारधारा, कभी भी किसी आदमी को ईश्वर बना देना मुझे पसंद नहीं होता। जैसे हिंद स्वराज को मैं कतई नहीं मानता हूं कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हिंद स्वराज में शुरुआती ग्रंथ भी है, बहुत सारी कमजोरियां हैं और वो सिर्फ मॉडर्निटी के खिलाफ नहीं है, वो ऐसी चीजें उसमें है, मतलब वो तो शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति के भी खिलाफ है। और गांव में जो हमारे प्राइमरी स्कूल एजुकेशन चल रहा था मानती है कि वो सही है। वो एजुकेशन तो वो था जिसमें महिलाओं और दलितों के लिए जगह ही नहीं थी। आप कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं? रविंद्र जी ने कहा कि मेडिकल बहुत महंगा हो गया है। महंगा हो गया, ये दिक्कत पूंजीवाद की है, ये उस दवा की नहीं है। बुखार तो पैरासिटामॉल से ही उतरता है, बाजार आपको 50 रुपए में अवेलेबल कराता है या 5 पैसे में, ये देखने वाली बात है। एजुकेशन तो वही है जो आपको आधुनिक बनाती है, उसको प्राइवेटाइज करके दुकान में बदल दिया जाता है या फिर उसको शिक्षा के अधिकार के रूप में आपको उपलब्ध कराया जाता है। सवाल यह है, खैर उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, कभी रविंद्र जी से और आगे बातचीत हुई तो मैं करूंगा। लेकिन जब हम गांधी की विचारधारा कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये जो पूरी एक कांग्रेस की परंपरा थी, और याद रखिए मैं कांग्रेस की परंपरा कह रहा हूं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के अलावा वामपंथी भी जो थे वो लड़ रहे थे, उनकी अपनी एक अलग परंपरा थी, उसको निगेट भी नहीं किया जाना चाहिए, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन गांधी की परंपरा यह थी जिसको एक शब्द में कहा जाए तो सर्वधर्म संभाव सामाजिक स्तर पे, और समाजवाद की तरफ उन्मुख, जो बार बार कहते थे कि आखिरी आदमी तक पहुंचे, यानी समाजवाद की तरफ उन्मुख आर्थिक विचार, इन दोनों विचारों का जो संगम था वो गांधी का संगम, उसको गांधी का विचार कहा जा सकता है। और इसके पहले जो गोडसे का विचार है, यही समझना चाहिए कि एक तरफ धर्म आधारित इस तरह की हिंसा और धर्म आधारित उनका कट्टरपन, और दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों के मामले में पूरी तरह से दक्षिणपंथी नीतियां, जिसमें निजी उद्योगों, निजीकरण और इन सारी चीजों को आप देखिए, जब भी राइटर्स फोर्सेज आई हैं तो इस तरह की पॉलिसीज पूरी ताकत के साथ लागू हैं। दुर्भाग्य से 2014 में हमारे देश की जनता ने जो सरकार चुना वो सरकार गोडसे के रास्ते की ही सरकार, वो खुल के कहे ना कहे, वो गांधी के ऊपर माला चढ़ाए या ना चाहे चढ़ाए, लेकिन उसकी जो धार्मिक सामाजिक नीति है और उसकी जो आर्थिक नीति है वो दोनों गोडसे की नीति है। और इसीलिए हमारे सामने गोडसे और गांधी के चयन का सवाल है। ये एक सोशल, केवल सोशल नहीं, ये एक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सवाल है कि आप गांधी को चुनते हैं कि गोडसे को। ये सवाल यहां से जुड़ता है कि आप फ्री शिक्षा चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना सरकार का काम है, या आप ये सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है उनका हक शिक्षा पे है और जिनके पास पैसा नहीं है उनका हक शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं है।
ये इस बात पर है कि ये सवाल आपके सामने खड़ा करता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है यानी हमारे देश में हिंदू, उनके अलावा जो आबादियां हैं सिख हैं, हमेशा मुसलमानों की बात होती है, आप ये सोचिए इस देश में पारसी कितने हैं, इस देश में 2.5-3%। लोगों ने कहा कि CAA का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है वो तो मुसलमानों के अधिकार का मामला है, उस पर हमें क्यों बात करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो 2-3% पारसी हैं, अगर उनके साथ भी कोई अन्याय होता है तो भी हम सबको साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सवाल इसका नहीं है कि हिंदू या मुसलमान का, सवाल इसका है कि क्या धर्म के आधार पर इस देश में कोई भेदभाव किया जाएगा, सवाल इसका है कि क्या राजनीतिक स्तर पर भी जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा, लोकेशन के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर वो ऐसा करते हुए नजर आती है तो वो गांधी की नहीं, वो गोडसे की पार्टी है। बहुत सीधा, जैसे गांधी हमेशा कहते थे कि किसी भी नीति को ऐसे देखो कि इसका फायदा आखिरी आदमी तक पहुंच रहा है नहीं, वैसे ही आज मैं यहां पे कह रहा हूं कि किसी भी नीति को, वो गांधी की नीति है या गोडसे की नीति है, ये अगर तय करना है तो ऐसे तय करो कि वो नीति अपने लागू होने में जनता के बीच धर्म, जाति, जेंडर और लोकेशन के आधार पर भेदभाव कर रही है या नहीं। और जब आप इस तरह से करते हैं तो देखते हैं कि गांधी को अप्रासंगिक बनाने वाले वही लोग हैं जो गांधी की मूर्तियों पर माला पहनाते हैं। आप देखते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह का लगातार अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और 90 में जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन लेके आई और बाकी सारी चीजें, वो गांधी का नहीं, गोडसे का रास्ता था। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आप सोचेंगे तो मनमोहन सिंह ने जो नीतियां लागू की थी और जो प्रोफेशनल वर्ग तैयार किया था, जो पूरे समाज की आइडियोलॉजी को बदला था, जिसमें किसी मल्टीनेशनल में नौकरी पा लेना, बड़ा घर बनवा लेना, बड़ी कार खरीद लेना सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई थी, उसी ने जन्म दिया है उस वोटर को और उस मानसिकता को जो आज शाहीन बाग में जाके गोली चला रहा है या दिन भर व्हाट्सएप या फेसबुक पर बैठ के नफरत फैला रहा है। इसीलिए मैं अपनी बात, मेरे पास टाइम हो चुका ना, मैं अपनी बात यहां पर खत्म, मैंने आपसे कहा था 2 मिनट, मैं अपनी बात यहां पर खत्म करूंगा कि गांधी और गोडसे चुनने का मामला पहली बात इमोशनल नहीं है, दूसरी बात सिर्फ मोरल नहीं है, तीसरी बात सिर्फ हिंसा और अहिंसा का नहीं है, हिंसा और अहिंसा पे अलग से बात होनी चाहिए, बंदूक को रखना हिंसा और बंदूक ना रखना अहिंसा सिर्फ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो गांधी और गोडसे के रास्ते में अगर आपको चयन करना है, अगर आपको गांधी और गोडसे को अलग करना है, तो उसको उसके जो पूरा सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक जो पूरा एक पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव में रख के देखना पड़ेगा। इसीलिए CAA, NRC या इस तरह की सारी लड़ाइयां छोटी हैं। इस देश में जो आइडिया ऑफ इंडिया है, अगर वो नहीं बचाया जा सका तो यकीन जानिए कि इस देश में सिविल वार की तरफ बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर जो रास्ता चुना था, अगर कुछ लोग कहेंगे कि वो रास्ता नहीं है, अब दूसरे रास्ते पे चलेंगे, तो दूसरे लोग विद्रोह करेंगे, और जैसा कि भगत सिंह ने कहा था, विद्रोह न्याय संगत है। शुक्रिया।